मेरा नाम है रेड एवेंजेलिस बेंडा, मैं CGIAR के सिस्टम बोर्ड की चेयर हूं। मैं जिम्बाब्वे में एक किसान हूं, 3 एडल्ट बच्चों की माँ हूं और मैं एक साइंटिस्ट भी हूं। मुझे अपने काम की सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि मुझे किसानों के साथ काम करना होता है और जब मैं अपने फार्म पर होती हूं, मैं वहां बीज बो रही होती हूं, उन्हें बढ़ता देखती हूं, अपने मवेशियों अपनी बकरियों के बच्चे होते देखती हूं और प्रकृति के संपर्क में रहती हूं। पर सबसे अहम बात है खेती को सुधारने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना और ये कि हम एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखें। ये बात मुझे खुश करती है। मेरे लिए लीडरशिप का मतलब है 7 लीडरशिप। उस काम को डिप्लॉय मत करिए जो आप खुद ना कर सकें। जो लोग मुझे वाकई इंस्पायर करते हैं वो हैं क्रासा माशेल और मामा मार्मा, मैरी रॉबिन्सन। ये लोग सिंपल हैं, मेहनती हैं, ये हर लेवल पर कनेक्ट कर सकते हैं, पर सबसे अहम बात ये है कि ये दूसरी महिलाओं को मौका देती हैं। इन्हें लड़कियों और दूसरी महिलाओं की मेंटरिंग बहुत अच्छी लगती है। एक महिला के तौर पर मुझे जिन बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, एक किसान के तौर पर, एक अफ्रीकन के तौर पर जिन बायसेस को झेलना पड़ता है, वो 3 चीजों से जुड़ी हुई है। जो महिलाएं डिसएडवांटेज हैं उनकी मदद की जानी चाहिए, किसान खासकर अफ्रीका के किसान गरीब हैं, और माएं जिनका ज्यादा समय घरों में बीतता है। तो अपकमिंग विमेन के तौर पर ये पक्का कीजिए कि आप प्रोग्रेस करें और हर एनवायरनमेंट में एक्सेल करें। इस बारे में कोई शंका ना रखें, यकीन रखें कि हम ये काम कर सकती हैं चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो। महिलाएं बदलाव की नेचुरल एजेंट होती हैं, बस उन्हें तो सही माहौल चाहिए। हम महिलाओं को दूसरी महिलाओं के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, हमें उनसे अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए, हमारी कामयाबियां और हमारे संघर्ष, यानी हम एक दूसरे को कन्विंस करें कि हम कुछ भी कर सकती हैं और हम बदलाव की बेस्ट एजेंट्स हैं। तो आइए इन स्टोरीज को डॉक्यूमेंट करें और उन्हें दूसरी महिलाओं के साथ शेयर करें। इससे ज्यादा प्रभाव हासिल किया जा सकेगा और हमारी जिंदगी का पुराना ढर्रा भी बदलेगा। कृपया कैटलिस्ट ऑफ चेंज के हमारे आज के सेमिनार में जरूर हिस्सा लीजिए। कैटल ऑफ चेंज विमेन लीडर्स इन साइंस सेमिनार सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम ये सेमिनार स्पेनिश, फ्रेंच और हिंदी में उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर नीचे ट्रांसलेशन बटन को चूज करके अपनी पसंद का की भाषा चुन सकते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं प्रोफेसर लिंडिबिसे बांडा से। आप हमारे YouTube और सोशल मीडिया पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको QR कोड नजर आएगा, जो स्लाइडो का है, आप उसके जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा एक Q&A सेशन होगा, उसमें ये सवाल आप पूछ सकते हैं। अब मैं डायरेक्टर जनरल सिमिट डॉक्टर ब्रैम गेवर्ट्स को इंट्रोड्यूस करती हूँ। अब आप हमारे गेस्ट का स्वागत करिए। गुड डे, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जूम, यूट्यूब, फेसबुक और लिंक्डइन पर। आज आप हमारे इस वेबिनार सीरीज के चौथे एपिसोड को देख रहे हैं। हमने इसे चैट स्टाइल, फायरसाइड चैट स्टाइल स्टाइल में डेवलप किया है, उन महिलाओं के बारे में जो साइंस के क्षेत्र में हैं। अगर हम महिलाओं को साइंस के क्षेत्र में और आगे लाना चाहते हैं, ज्यादा महिलाओं को शामिल करना चाहते हैं, तो हमें और बहुत सी महिलाओं के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्हें आगे लाना होगा।
आज हमारे साथ एक बहुत ही एक्सेप्शनल लीडर हैं, ये हैं लिनवे सिबांडा, जो CGIAR सिस्टम बोर्ड में हैं, जो बदलाव की वाकई एक कैटलिस्ट हैं, और आज वही हमारी मेहमान हैं जो आज आपको संबोधित करेंगी। उन्हें खेती का बहुत बड़ा अनुभव है और वो एडवाइजर्स की भूमिका भी निभाती रही हैं, नेस्ले बोर्ड के साथ जुड़ी रही हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में भी पढ़ाती हैं। आप चैथम हाउस की एसोसिएट फेलो हैं। आपने बिल गेट्स के साथ कुक भी किया है। आप भूख से जूझ रही पूरी दुनिया की एक सेना का एक हिस्सा हैं। इनका दिल, मैडम, आपकी मौजूदगी से हम बहुत खुश हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्राहम, आपने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, और ये बहुत ही खतरनाक थी। ये कहानी 5 दशक की है। मैं अपने 5 कीस्टोन पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहूंगी, एज ए स्कॉलर, एक माँ के तौर पर, एक प्रोफेशनल के तौर पर, एक गवर्नर के तौर पर, और समाज को वापस देने के बारे में। स्कॉलर के तौर पर शुरुआत करती हूँ।
मुश्किलों के बावजूद मैंने हार नहीं मानी। मेरे बच्चों की देखरेख के लिए मेरा बड़ा सा परिवार हमेशा मेरा साथ देता था, मेरे पति सहित। तो मेरे लिए सबसे प्रमुख समस्याएं थी मल्टीटास्किंग। लेकिन मैंने उन स्थितियों का सामना किया। अब बच्चे 26 और 27 साल के हो गए हैं और अब वो रेस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल हैं। अब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूंगी। मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी, यूनिवर्सल एडवाइज भी रही। मैंने अपना बिजनेस खुद का किया। अब उसे 27 साल हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने एक रीजनल पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर भी काम किया और 19 देशों में काम किया। मैं इतना ही कह सकती हूं कि एक व्यूमन प्रोफेशनल के तौर पर आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी में करीब 4 साल रही, फिर मैं एक प्राइवेट कंपनी में चली गई जहां मुझे कंसल्टेंट का काम सीखने का मौका मिला। उस प्राइवेट फर्म में 2 साल काम करने के बाद मैंने फिर एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। फिर मैंने पॉलिसी में रीजनल एडवाइजर के तौर पर काम करने के लिए उस काम को छोड़ा। वहां मैंने काफी स्किल सीखी। मेरा मानना यह है कि समस्या तो कई क्षेत्रों में हो सकती है और आप अगर उन समस्याओं को समझें तो आप उनका हल भी निकाल सकते हैं, आप और विकल्प भी दे सकते हैं। जब मैं फैनपैन में थी तो वहां मैं सबसे ज्यादा रही 12 साल तक। शायद ये काफी लंबा समय कहा जा सकता है। वहां मैं बतौर सीईओ थी तो वहां मैंने काफी ग्रो किया। वहां मैं पॉलिसी एनालिसिस के साथ जुड़ी थी जो सरकार के साथ साथ और दूसरे संगठनों को भी सलाह देते थे। मुझे इस काम में बड़ा मजा आया। मुझे रीजनल से इंटरनेशनल में जाने के कई इनविटेशन आए, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तब टीनेजर थे, हाई स्कूल वगैरह की पढ़ाई कर रहे थे। तो तमाम ऑफर्स के बाद मैंने उन जॉब्स को नहीं लिया, केवल एक अनुभव हासिल किया। फिर मैंने कॉलेज के बारे में गंभीरता से सोचा। वहां काम करते हुए जीवन के बाकी हिस्सों को भी संभाला जा सकता था, पर सबसे पहली बात है कि मैं एक अच्छी माँ बनना चाहती थी, कि मैं बच्चों की जीवन के हर क्रिटिकल स्टेज पर उनके साथ रहूं। मुझे लगता है मैंने शायद इन जिम्मेदारियों को ठीक से संभाला है। अब मेरा अगला चैप्टर है, चौथा, ये है स्कॉलरशिप के बारे में। मैंने 3 तो आपको बता दिए हैं, अब चौथा है गवर्नेंस के बारे में।
मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मत रही कि मैं नेशनल लेवल पर गवर्नर के तौर पर चुनी गई और इंटरनेशनल लेवल पर भी 15 साल के लिए। शुरुआती गवर्नमेंट मीटिंग्स काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि मुझे ट्रेनिंग नहीं थी। पर मेरी सीखने की जो इच्छा थी उसने मुझे आगे बनाए रखा। मैंने अपने मेंटोर्स को चुना, मुझे उनमें कुछ खूबियां ऐसी थी कि उन कुछ की वैल्यूज अच्छी थी, कुछ का डिमीनर बहुत अच्छा था। मैंने 12 से ज्यादा बोर्ड्स में काम किया है और शायद ये मैंने इसमें सबसे ज्यादा एंजॉय किया। मुझे लगता है कि लोग जो बोर्ड के जो सदस्य थे उनमें सीखने की इच्छा थी और इसके जरिए आप बहुत कुछ दे सकते हैं समाज को। जब भी मुझे अपने साथियों को छोड़ने की इच्छा होती थी तो अंदर से एक सवाल उठता था कि क्या ऐसा करना सही होगा। ये मामला इंट्यूशन का है लेकिन साथ ही ये मेरे फेथ का भी है। मेरी आस्थाएं बहुत मजबूत हैं और शायद इसीलिए मैं अपने सिद्धांतों पर टिकी रह पाई। मैंने अपने इर्द गिर्द विश्वास का एक नेटवर्क बनाया है जिसके जरिए मैं जब भी मुझे कोई शंका होती है तो मैं उन लोगों से मदद ले सकती हूँ, अपने दोस्तों के साथ एंगेज कर सकती हूँ और वो मुझे सही दिशा में भेजते हैं। मेरा आखिरी था चैप्टर मैं फिलहाल जूझ रही हूँ गवर्नेंस और खेती के बीच। पर मुझे गवर्नेंस और समाज को वापस देने में काफी आनंद आ रहा है। मैं कुछ ही हफ्तों में 60 साल की हो जाऊंगी जब मैंने अपने जीवन के बारे में लिखने के अलावा लोगों में इन्वेस्ट भी किया है। मेरे सिर्फ 3 बच्चे ही नहीं है, मेरे सैकड़ों नेफ्यूज नीसेस हैं जो अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ सीखना होता है, जानना होता है तो वो मेरे पास आते हैं। पर अपने इस करीबी परिवार के बजाय मैं कई नेटवर्क्स के साथ जुड़ चुकी हूँ। मैं उन्हें अपने स्पेस में लाने की कोशिश करती हूँ। अगर उनको एम्प्लॉय करने का मौका मिलता है तो मैं उन्हें एम्प्लॉय भी करती हूँ। पर इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि मैं अब भी सीख रही हूं, मुझ में ज्ञान की एक ललक है और इसी बात ने मुझे आगे बढ़ाते रखा है। जो लोग मुझ में देखते हैं उन्हें वो मिलता है। अगर मुझे कुछ पता होता है तो पता होता है, अगर कुछ नहीं पता होता तो मैं मना कर देती हूं कि मुझे नहीं मालूम। तो मैंने आपको अपने जीवन के 5 चैप्टर्स के बारे में बताया। थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया आपको आज यहाँ बुलाकर हम बहुत खुश हैं। अब हम ऐना को आमंत्रित करते हैं। शुक्रिया रेनाटा, हम इस मौके के लिए बहुत आभारी हैं। मेरा नाम है ऐना। मुझे डॉक्टर लिंडा के साथ इंटरव्यू करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहेंगे कि आप मौजूदा और अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों के लिए अपनी सलाह दें। पहला सवाल है, आपने अपने जीवन में बहुत से बदलाव देखे हैं, कोई उदाहरण दे सकती हैं? मैंने बहुत से बदलाव देखे, जैसे मैंने अपनी स्कॉलरली लाइफ के बारे में बताया, उनमें से एक है इंक्लूजन और डाइवर्सिटी का के इशू को अनपैक करना। हमेशा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी होती है। मेजॉरिटी प्रिविलेज वाली पोजीशन में होती है क्योंकि वो एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जब आप माइनॉरिटी में होते हैं तो आप की मदद के लिए कोई नहीं होता। पर मुझे इस बात ने बहुत खुश किया कि और ज्यादा महिलाएं लीडरशिप पोजीशन में, बोर्ड पोजीशंस में, गवर्नेंस में आ रही हैं, वो इन्फ्लुएंस कर पा रही हैं। मेरे लिए ये चीज थियोरेटिकल थी। मुझे वो प्रिविलेज हासिल थी जो मैंने आपको बताया प्राइमरी स्कूल के बारे में। जब आप पहले एक्सक्लूडेड होते हैं और फिर इंक्लूडेड हो जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? दुनिया को इस समस्या को एड्रेस करना है और ये एक अच्छी बात है कि महिलाएं लीडरशिप में आएं। ये अच्छी बात है कि बोर्ड्स में महिलाएं आएं। इसका प्रतिशत तो 50-50 तो होना ही चाहिए। इससे अलग अलग तरह की महारतें हासिल होंगी। फिर एक ऐसा दौर आएगा जब समस्याओं का हल निकलेगा, तो डाइवर्सिटी में इंक्लूजन बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल है कि क्या आप इन 5 कैटलिस्ट ऑफ चेंज वाले पॉइंट्स के बारे में बताएंगी? मुझे लगता है जब आप एक कैटलिस्ट होते हैं तो आपको अपनी ईगो को खत्म करना होता है, आपको बदलाव को शुरू करना होता है। मुझे लगता है कि एज ए कैटलिस्ट ऑफ चेंज खेती से मेरी जिंदगी की शुरुआत। आप इसे 100% ठीक नहीं कर सकते, पर एक महिला किसान, एक कमर्शियल फार्मर होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि मैं बदलाव ला सकती हूँ। अभी अफ्रीका में खेती का काम गरीब लोगों का काम है। अगर आप एक महिला हैं और शिक्षित हैं तो फिर आप दूसरे समाज में बदलाव ला सकती हैं, कैटलिस्ट ऑफ चेंज बन सकती हैं, खास तौर से उन महिलाओं के लिए जो समाज में पीछे छूट गई हैं। माएं भी कैटलिस्ट ऑफ चेंज हो सकती हैं। मेरे पिता को सिर्फ 3 साल शिक्षा मिली थी,
हमारे परिवार में ये जोर दिया गया कि लड़कियों को ज्यादा एजुकेटेड होना चाहिए, लड़के तो पढ़ ही जाते हैं। मैंने अपनी पहली डिग्री इजिप्ट में ली। मेरी माँ ग्रेजुएशन सेरेमनी में आई थी। पिताजी के लेटर में लिखा था कि तुम मास्टर्स करो। मास्टर्स के बाद इंग्लैंड में मेरे डैडी आए थे। वहां उन्होंने कहा कि जो रेड गाउन पहने हुए हैं वो कौन है? तो मैंने कहा वो पीएचडी वाले हैं। तो वो बोले कि मैं भी तुम्हें इसी गाउन में देखना चाहता हूं। मैंने अपनी पीएचडी खत्म की, मैं वापस आ गई। मैं गांव में अकेली थी जिस महिला ने पीएचडी की थी। लेकिन मेरे डैडी वहीं नहीं रुके। मेरे हस्बैंड एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे। मेरे डैडी ने कहा कि तुम भी और पति भी दोनों डॉक्टर्स हैं। तो जब मैं रिटायर हो गई तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में पेपर्स लिखने शुरू किए, जिससे मेरे डैडी बहुत खुश हुए। पर मेरे कोलीग्स के लिए मैं एक सोर्स बन गई हूं, चाहे वो कहीं भी हों। तो मुझे लगता है कि मैंने कि कुछ नया अपना कर आप कैटलिस्ट ऑफ चेंज बन सकते हैं, नए रास्ते चुने। मैंने हर चीज का एक संतुलन बनाया और आप भी बना सकते हैं, चाहे स्वीपिंग का काम हो, इसे भी बेहतरीन ढंग से किया जाना चाहिए। अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो आप कैटलिस्ट ऑफ चेंज बन सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जब जब कहा जाता है कि सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो सपोर्ट जरूरी है। आप ऐसे की फ्रेज बता सकते हैं जो विमेन्स लीडर्स इन साइंस याद रख सके? मुझे कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता है। ये फ्रेज छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। याद वही रहता है जिसे आप प्रैक्टिस करते हैं। और मेरे लिए यह था, किसी चीज से डरिए मत, अपनी बार को ऊपर उठाने से मत डरिए। मैं अब पीछे मुड़कर देखती हूं तो हमेशा सोचती हूं कि मैं इससे और बेहतर कर सकती थी। मुझे जो पसंद नहीं आता है मैं उसे नहीं लेती, और जो पसंद आता है उसे लेती हूं। तो अगर आप कोई फ्रेज ढूंढ रहे हैं तो वो है पायनियरिंग, प्रोग्रेस और पीपल्स। आप पायनियर बने, प्रोग्रेस करें, अपनी तरक्की से संतुष्ट मत होइए। जीवन का कोई अंतिम गंतव्य नहीं होता। और तीसरी बात, और पीपल्स की जिंदगी जिए। तो यही मेरी की फ्रेज है। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे ये अवसर मिला। इजाबेल, आप क्वेश्चंस के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं और सवालों के जवाब दूं, मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहूंगी। स्क्रीन यहां पर है और कैमरा यहां पर है, तो मैंने काफी नोट्स बनाए हैं। मुझे लिखते जाना अच्छा लगता है और मैं कुछ वर्ड्स को याद कर लेती हूँ।
और उनमें से एक है सपोर्ट, दूसरों से मिलने वाली सपोर्ट, ये बहुत ही जरूरी है। पायनियर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही कई देशों में ठहर चुकी हूं, तो मेरा मानना है कि काइंडनेस और हम्बल होना, नम्रता बहुत जरूरी है। तो मुझे स्टोरी सुनना पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप दोनों के ही बहुत आभारी हैं, आपने बहुत ही दिलचस्प बातचीत की। अब हम ऑडियंस के सवालों के लिए मंच को खोलना चाहेंगे। आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप स्लाइडो ऐप के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। तो हमें कुछ सवाल मिले हैं, मैं पहला सवाल पढ़ती हूं। आप रंग भेद वाली जगह से आई, आपने बदलाव आते देखा, तो आपने एक्सक्लूजन से जुड़े उस दौरान गुस्से को कैसे देखा था? बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए, आपका शुक्रिया। मुझे लगता है कि हमें इस गुस्से को छोड़ना चाहिए। ऐसा शायद अज्ञानता के कारण होता है। जो अत्याचार करने वाला है उसको लगता है कि ये उसे अधिकार में मिला है, और जो जिस पर अत्याचार हो रहा है उसे लगता है कि हमें इसका जवाब देना होगा। लेकिन अगर इन दोनों बैरियर्स के बीच दोस्ती कायम कर दी जाए तो आप जानेंगे कि हम सब हैं तो इंसान ही। तो यहाँ अज्ञानता बहुत बड़ा कारण है जो लगातार चलती ही जाती है। तो अगर खुलकर बातचीत नहीं होती है तो फिर ये नफरत जारी रहेगी। अगर आप ये देखेंगे कि लिनवे एक ब्लैक हैं, वो खुश हैं, उनको ठीक ठाक आहार मिल रहा है, तो फिर आपकी सोच बदल जाएगी। हम सब मानवों की एक ही आकांक्षा है, तो मैं गुस्से को कभी इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो लोग अज्ञानता के शिकार थे। मैं जब किसी रेसिस्ट को देखती थी तो मुझे लगता था कि इन लोगों को शिक्षित होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहती थी कि उन जैसा बनूं, मैं अपने आप में खुश थी, पर जीवन का लक्ष्य एक खुश जीवन, तो गुस्सा ना करें और एक दूसरे को खुशियों के बारे में बताएं। क्या ऐसा कुछ है जो आप प्रोफेशनल पाथ में अलग ढंग से करना चाहती? मेरा सबसे पसंदीदा सॉन्ग फ्रैंक सिनाट्रा का है। मेरे जीवन में जिस भी तरह के मुकाम आए वो आए, लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि मैंने उनका सामना अपने तरीके से किया। मुझे लगता है कि सीखने की ये जो इच्छा है इसने मेरी बड़ी मदद की है, तो मुझे अपने जीवन में कोई अफसोस नहीं है। शुक्रिया प्रोफेसर। अगला सवाल ये है, आप ऐसी फीमेल्स को कैसे मेंटोर करती हैं जिनमें लीड करने की एबिलिटी नहीं होती?
कुछ डॉक्टर्स और कुछ लड़कियां प्रोफेशनल्स थी, उनको मैं इंटरनेशनल सेमिनार में लेकर गई थी। मैं वहां उनके साथ गई थी, उनकी मेंटोर थी। तो मैंने पूछा तुम सवाल क्यों नहीं पूछती, उन्होंने कहा हमें शर्मिंदगी होती है, शर्म आती है। अगर कोई सवाल नहीं पूछना तो आप अपना परिचय दीजिए और कहिए कि मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कुछ हफ्ते बाद उन्होंने मुझे लिखा कि उसे 2 साल की फेलोशिप के लिए ले लिया गया है। तो मैं हमेशा पुशिंग और एंगेजिंग में विश्वास करती हूं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करूंगी। आप अपने शेल से बाहर निकलिए, अपनी हेजिटेशन, अपनी झिझक छोड़िए। पहले तो आप जानिए कि आप में कॉन्फिडेंस कम है, फिर किसी मेंटोर के पास जाइए और मेंटोर को भी अपने साथ ऑनेस्ट होने दीजिए। बहुत शुक्रिया। सिमिट एक ज्यादा इंक्लूसिव बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप कम्युनिटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इंक्लूसिविटी के बारे में काफी बात करती रही हूं, पढ़ती रही हूं। इसके लिए जरूरी है कि आप पाइपलाइन का निर्माण करें, आप कल्चर को, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को समझें। तीसरी बात है लीडरशिप। चौथी बात, ये आपका रोड मैप भी जरूरी है। आप खुलकर बात करें कि भविष्य कैसा होने वाला है, और ये भी समझना चाहिए कि फिलहाल हम किस तरह के हैं। क्या हम वाकई जो कहते हैं करते हैं, या फिर वो सिर्फ थ्योरी है? कल के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए कौन कौन से छोटे कदम होंगे? तो आप एम्ब्रेस कीजिए, स्टडी कीजिए, समझिए और उसे अपने अपनी लीडरशिप में शामिल कीजिए, ताकि आप जो कहें वो करें भी। इसे सभी लीडर्स को करना होगा, किसी एक के करने से बात नहीं बनेगी। तो ये हो सकता है। बहुत शुक्रिया। दो लोग हाथ खड़े रखें, आप अपना माइक और कैमरा ऑन करें। थैंक यू। हेलो प्रोफेसर, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम जिम्बाब्वे में से हैं। कैटलिस्ट ऑफ चेंज बनने के रास्ते में आपने कई बाधाएं देखी होंगी, लेकिन निराश ना हो इसके लिए आप क्या सलाह देंगी? यकीनन मुझे कई बाधाएं झेलनी पड़ी। हमारे यहाँ कई स्टीरियोटाइप हैं कि ये महिला है, इसके बच्चे होंगे, ये कैसे लोगों के बीच में अपनी बात कह पाएगी। ये सब बाधाएं हैं, ये सब आपको परेशान करते हैं, लेकिन मैं उसी फ्रेज को कहूंगी कि पायनियर होने से डरिए मत। पर ऐसा करिए विनम्रता और सम्मान के साथ।
मैं 60 साल की होने वाली हूँ और मेरा प्रोजेक्ट यही होगा, प्रोजेक्ट हैप्पीनेस, कि खुशी वो चीज है जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अगर मुझे किसी खास किस्म के लोग नहीं अच्छे लगते तो मैं उनसे अलग हो सकती हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता नहीं करते तो धीरे धीरे आपके चारों तरफ सही लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ना कहने से कभी मत डरिए। जब भी यंग लेडीज से लीड करने को कहा जाए नो मत कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल, कृपया अपना माइक्रोफोन खोलिए और कैमरा भी। शुक्रिया इजाबेला और प्रोफेसर, आपने बहुत ही प्रेरक बातें कही हैं। मैंने आपकी बातों से पायनियरिंग शब्द को चुना है। आपकी बातों से किसी के जीवन में आशा की किरण जाग सकती है। लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, उनका सोच का तरीका, काम करने का तरीका अलग होता है और बहुत से लोग इस चीज को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है। और मैं खुद को बहुत सारे तरीकों से कंफर्म नहीं कर पाती हूँ जो लीक वाली सोच है उसके हिसाब से। मैंने आपकी बातों से ये सबक लिया है कि आप अपने सिद्धांतों पर अड़े रहें, जो सही है उसे फॉलो करें। क्योंकि हमने कई लोगों को देखा है जो किसी सिचुएशन के हिसाब से कंफर्म करना चाहते हैं। पायनियरिंग और प्रोग्रेस ऑफ पीपल्स की बात आपने कही, अगर आप माफी मांगेंगे तो आप पायनियरिंग नहीं कर सकते। अगर आप दूसरों से इजाजत ही मांगते रहेंगे तो आप अग्रणी नहीं बन सकते। सपना देखिए, उसे सच करिए, प्लान बनाइए, उसे अमल में लाइए और फिर लोग कहेंगे वाओ ये तो कमाल है। लेकिन अगर कोई सपना हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं। मान लीजिए आप अपने सपने को सच कर लेती हैं तो हो सकता है मैं कहूं कि आप इसे ऊपर क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ाती। पर मैं आपकी लीडरशिप के बारे में, आपके अनूठेपन के बारे में जरूर जानना चाहूंगी। आप जो भी करें पर्पस, एक मकसद के हिसाब से करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आखिरकार आपके पक्ष में नजर आएंगे। तो आपके जीवन में पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। एक और सवाल लेते हैं। आप अपना कैमरा ओपन करिए।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चैट में सवाल लिख सकती हैं, बाद में हम उसे ले लेंगे। इस बीच दो और सवाल हैं जो स्लाइडों से मिले हैं। आपने इंक्लूजन किया, उसके लिए शुक्रिया। नौ में सिमिट के मैं मुझे शुरू से ही मालूम था कि हम एक हालात को बदलने वाली चीज की शुरुआत कर रहे हैं। इससे किसानों की, प्राइवेट सेक्टर की तस्वीर बदलेगी। हम इसी इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। मसाबो अफ्रीका के जरिए हम यंग लोगों को ला पाए, जो इंक्लूजन का एक हिस्सा है। फिर मैं जाम्बिया गई, वहां मैंने एंटरप्रेन्योर्स को देखा जो साइलिंग बैग्स बना रहे थे और उन्हें वो गांव में बेचा करते थे, गांव के स्तर पर। हम किसानों को बीज दिया करते थे और किसान उसे खरीदते थे। लोगों ने बीज का कारोबार शुरू किया, जबकि साउथ अफ्रीका में पहले एक आम मल्टी नेशनल कंपनीज करती थी। बीजों का बिजनेस मेल्स किया करते थे। गांव में युवा कोका कोला नहीं बल्कि बैग्स बेचने लगे। मैंने एक जाम्बिया में एक फीमेल ब्रीडर को देखा। मैंने प्रोफेशनल्स को बिजनेस में आते देखा। आज महिलाएं, लड़कियां और पुरुष टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम इंक्लूजन और डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो फिर हमें जरा अलग तरीके से सोचना होगा, ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। हमें ये सोच छोड़नी पड़ेगी कि कोई काम सिर्फ लड़के का है या लड़की का है। हमें पूरी वैल्यू चेन को खोलना होगा और समाज में इंक्लूजन को लाना होगा, एक्सक्लूजन को नहीं। तब सब ये सिद्ध होगा कि हम इंक्लूजन को अपना रहे हैं। कुछ और सवाल हैं। आप
आप मेरा ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, मेरा फोन भी पब्लिक है और हम लोगों से बात करते हैं, नोट्स को एक्सचेंज करते हैं। जल्दी ही मैं समाज को वापस देने के लिए अपना पूरा जीवन लगाने वाली हूं, क्योंकि इससे बड़ा संतोष महसूस होता है। शुक्रिया प्रोफेसर, आपने शानदार प्रेजेंटेशन किया। अब मैं हमारे डायरेक्टर जनरल से इस इवेंट को समापन के लिए कहूंगी। सबसे पहले तो प्रोफेसर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आप यहाँ आई और उन लोगों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने ऑनलाइन आकर अपनी हिम्मत दिखाई और सवाल पूछे। आपने अपनी जिंदगी के बारे में लोगों को बताया अपने वैल्यूज की बात की, रंग का उतना महत्व नहीं है, हम सभी इंसान के तौर पर महत्वपूर्ण हैं। इंटेग्रिटी और एक्सीलेंस की बड़ी अहमियत है, टीम वर्क की भी बड़ी अहमियत है। आप अपने मेंटोर को चुनिए, सवाल पूछिए, आप बार को ऊपर उठाइए। हम एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। हम मिलकर उस बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना चाहेंगे। हम सबका एक मकसद है और हम इसे हासिल करके रहेंगे। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम दुनिया में खुशी ला सकें, इसे बेहतर बना सकें। इसी के साथ मैं इस विमेंस लीडर सेमिनार को समापन करता हूं। देखिए आगे कौन है। हम एक ऐसे समय के साक्षी बनना चाहते हैं जब लोग भूखे नहीं रहेंगे, जब पर्याप्त आहार होगा, जब ये आहार सही होगा और सही इलाकों में उगाया जाएगा, जब आहार हर किसी के लिए उपलब्ध हो पाएगा, ये अफोर्डेबल है, अवेलेबल है, ये न्यूट्रिशियस होगा और इससे हर किसी के लिए ऑप्शन होंगे। पर इसके लिए सिर्फ फूड ही नहीं चाहिए, इसके लिए पर्याप्त पानी चाहिए, पर्याप्त कुदरती संसाधन चाहिए, पर्याप्त ट्रेनिंग, अवेलेबिलिटी और नॉलेज चाहिए किसानों के लिए, खासकर छोटे किसानों और महिलाओं के लिए जिनके लिए ये मौका बहुत बड़ा है। पर साथ ही चिंता भी है, क्लाइमेट में बदलाव से अक्सर इन पर ही ज्यादा असर पड़ता है। वैसे पूरी दुनिया ही जलवायु में बदलाव के हिसाब से काम कर रही है ताकि इन जोखिमों को कम किया जा सके, तो हमें इसी दिशा में काम करना है। हमारे अगले प्रोग्राम में शामिल हुए 12 सितंबर को कैटलिस्ट ऑफ चेंज में।